ब्लाइंड डेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सैम। ब्लाइंड डेट के इस सीजन में हम मदद करने वाले हैं टैलेंटेड और खूबसूरत मिस तारा की मिस्टर राइट ढूंढने में। तो मिस तारा, क्या आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? को पैसा और फेम तो मेरे पास है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसे पार्टनर की कमी है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ की खुशियाँ शेयर कर सकूं। मैं आज तक जितने भी रिलेशन में रही हूँ ना, सारे लड़के मेरे लिए गलत थे, पर मुझे यकीन है कि इस शो पर मुझे मेरा मिस्टर राइट जरूर मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है हम आपके लिए जो पार्टनर तलाश करके लाए हैं उनमें से कोई ना कोई आपका मिस्टर राइट जरूर होगा। हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं 4 हैंडसम लड़के, लेकिन आपको लड़कों से मिलवाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आपके जवाब से फैसला होगा इन 4 में से आपके लिए परफेक्ट लड़का कौन है, कौन वो लड़का है जिसकी पसंद ना पसंद आपसे मिलती है। पहला सवाल है, आप डायमंड नेकलेस या प्यार से खास आपके लिए बनाए गए गिफ्ट में से क्या चुनेंगी? ऐसा कभी भी प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरे लिए प्यार से बनाए हुए तोहफे की अहमियत किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा है। मैं हाथ से मेरे लिए बनाया हुआ गिफ्ट चुनूंगी। तो आप पैसे से ज्यादा अहमियत फीलिंग्स को देती हैं। हमारा दूसरा सवाल है, आप गोवा के बीच पर छुट्टी मनाना चाहेंगी या शिमला की बर्फीली वादियों में? मुझे समुद्र पसंद है। गोवा के बीच पर अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक वॉक पर जाना, डूबते हुए सूरज को देखते हुए उससे गहरी बातें करना मुझे अच्छा लगेगा। आप ही की तरह एक और बीच लवर हमारे साथ हैं। शायद जल्द ही आपको बीच पर साथ वॉक करने के लिए पार्टनर मिलने वाला है। हमारा अगला सवाल है, आपको किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है? मेरे लिए ना म्यूजिक बहुत जरूरी है। मैं जब भी दुखी होती हूँ या खुश होती हूँ म्यूजिक सुनती हूँ। मुझे शोर शराबे वाला म्यूजिक पसंद नहीं है। मैं अरिजीत सिंह के रोमांटिक या सैड सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 सिंगर हैं। अब मैं लड़कों से मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लड़के भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, पर फिलहाल मैं एक्साइटेड हूँ अगला सवाल पूछने के लिए। मेरा सवाल है, आपको गुड लुकिंग पार्टनर चाहिए या फिर केयरिंग? गुड लुकिंग लोग अक्सर धोखेबाज भी होते हैं। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो दिल का अच्छा हो, जो बहुत केयरिंग हो और स्वीट हो, मेरी परवाह करे। हम आपसे सारे सवाल पूछ चुके हैं। आपके जवाबों के आधार पर 4 लड़कों में से सिर्फ एक लड़का है जो आपका परफेक्ट पार्टनर है। सिर्फ एक ही लड़का है जिसमें वो सभी खूबियां हैं जो आपको चाहिए। लेकिन वो परफेक्ट पार्टनर कौन है ये आपको पता लगाना होगा लड़कों से सवाल जवाब करके। हर लड़के के साथ आपको 15 मिनट मिलेंगे। इन 15 मिनट में आपको जो भी लड़का अपने लिए परफेक्ट लगता है आप उसे चुन सकती हैं। अगर मुझे मेरा आइडियल मैच ढूंढना है तो काफी समझदारी से सवाल पूछने होंगे। तो अब बिना वक्त गवाए हम अपने पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। हेलो तारा, मैं आरुष हूँ। जितना ये देखने में हैंडसम है उतनी ही सेक्सी इसकी आवाज है। मिस तारा, आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं आरुष के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। सॉरी आरुष, हमारे पास समय कम है इसीलिए सीधे पॉइंट पर आना पड़ेगा। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। फिर तो उम्मीद है आपको मैं भी अच्छी लगूंगी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। फेमस ब्रांड ब्लैकमे के बारे में तो सुना ही होगा, मैं उसका मालिक हूँ। मैं आपकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, पर अफसोस हम कभी मिल ही नहीं पाए। इस बात का तो पछतावा मुझे भी है कि मैंने आपसे मिलने का हसीन मौका गवा दिया। आपको देखकर लग रहा है कि आप लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर होंगे। आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी होंगी। अफसोस, लड़कियों को अक्सर मुझसे ज्यादा दिलचस्पी मेरे पैसे में होती है। मैं अभी तक ऐसी लड़की से नहीं मिला जिसे मुझ में दिलचस्पी हो। आप अभी अभी उस लड़की से मिल चुके हैं जिसे आपके पैसे में नहीं आप में दिलचस्पी है। फिर तो मैं अपने होने वाली पहली गर्लफ्रेंड के सामने बैठा हूँ। हम बातें काफी अच्छी कर लेते हैं। जब सामने तुम्हारे जैसी लड़की हो बातें खुद ब खुद दिलचस्प हो जाती हैं। अगर आप अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो आप उसे डेट पर कहाँ लेकर जाएंगे?
दुबई, पेरिस, जहां भी वो जाना चाहे। मुझे हॉर्स रेसिंग, कार रेसिंग, कैसीनो जाने का भी शौक है, तो हम डेट पर एक साथ इन जगहों पर भी वक्त बिता सकते हैं। छोटी सी डेट के लिए आप तो काफी दूर निकल गए। मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं है, मैं हमेशा बेस्ट लोग और सबसे महंगी चीजें ही पसंद करता हूँ। और मैं आज तक जिन भी लड़कियों से मिला हूँ, तुम उनमें बेस्ट हो। आपकी रोमांटिक डेट बीच में रोकने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आरुष, आपका समय खत्म हो चुका है। ये 15 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे जल्दी बीतने वाले 15 मिनट थे। तुमसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। आपके चेहरे की स्माइल से तो लग रहा है आरुष इन 15 मिनट में आपको काफी इम्प्रेस कर चुका है। तो कैसा लगा आपको आरुष? आरुष के हैंडसम चेहरे और चार्मिंग बातों से कोई लड़की बिना इम्प्रेस हुए कैसे रह सकती है। मुझे आरुष काफी अच्छा लगा और लगता है शायद वो मेरा आइडियल मैच हो सकता है। अभी 3 और लड़के आपके इंतजार में हैं। उनसे मिले बिना कोई भी फैसला लेना गलत होगा। तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट ईशान सक्सेना को। हे ब्यूटीफुल, मैं ईशान हूँ। ये लड़का कितना क्यूट है, देखकर तो लग रहा है कि काफी फ्रैंक और स्वीट टाइप का बंदा है। अपने सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाइए तारा। ईशान के साथ आपके 15 मिनट शुरू होते हैं अब। हाय ईशान, मैं तारा हूँ। हमारे पास समय कम है इसलिए इंट्रो छोटा करना पड़ेगा। सीधे सवालों पर आते हैं, आप काम क्या करते हैं? सब कुछ, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना भी बनाता हूँ। घर से भागकर मुंबई आया हूँ ना, इसलिए सब काम खुद ही करना पड़ता है। मेरा मतलब था जॉब क्या करते हैं। ओ, नौकरी। सिंगर हूँ। गुजरात में तो करियर के नाम पर पापा चाहते थे कि मैं उनकी सलवार सूट की दुकान पर बैठूं, पर मुझे बचपन से ही सोनू निगम जी की तरह सिंगर बनना था, इसलिए पहला मौका मिलते ही घर से मुंबई भाग आया। मुंबई आते ही फिल्मों में गाने का मौका तो मिल गया, पर घर वाले अभी बात नहीं कर रहे यार। वैसे आज किसी ने आपको बताया आप कितनी क्यूट लग रही हो? आपको देखा ना, बस तभी मेरे दिल में गिटार बजने लगा था। सिर्फ खुद ही बोलते रहते हो या दूसरों को भी बोलने का मौका देते हो? उप्स, सॉरी, मैं भावनाओं में इधर उधर निकल जाता हूँ। आप सवाल पूछिए। तुम्हारा आखिरी ब्रेकअप कब और क्यों हुआ? अरे, उस बेवफा को क्यों याद दिला दिया आपने? नाम तो उसका काम ही नहीं था, पर थी वो बहुत बड़ी कमीनी। पूरी दुनिया में मेरा ही रूममेट मिला उसे भागने के लिए। अरे गई तो गई, मेरे रूममेट को भी अपने साथ ले गई। उसके जाने से ज्यादा तो मुझे अकेले सारा भाड़ा देना पड़ेगा, इसका दुख था। 3 दिन तारा जी, 3 दिन फूट फूट कर रोया। फिर सोचा जाती है तो जाने दो, एक गई है 10 आएंगी। पर मेरे जैसा कमाल का लड़का तो उसकी मम्मी भी नहीं ढूंढ पाएंगी। ईशान का जवाब सुनकर आप हंस देती हैं और उसकी नजर आपके चेहरे पर थम जाती है। बस तारा जी, बस ऐसे ही रहिए, मुझे ये लम्हा कैद कर लेने दीजिए। घर जाते ही आपकी इस खूबसूरत स्माइल पर नया गाना लिखूंगा। तुम फानी के साथ साथ फ्लर्टी भी हो, काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन हो तुम। आप भी कुछ कम नहीं है, खूबसूरत के साथ साथ स्मार्ट, टैलेंटेड, चार्मिंग, लिस्ट बहुत लंबी है आपकी तारीफों की। ईशान, 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 इससे पहले कि तुम तारा को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लो और दूसरे लड़कों को मौका ही ना दो, हमें ये डेट यहीं खत्म करनी होगी। आपका समय खत्म हो चुका है। जब वक्त अच्छा गुजरता है, कसम से वक्त का पता ही नहीं चलता है। उम्मीद है जल्द ही फिर मुलाकात होगी तारा। तो तारा, ईशान के बारे में आपके क्या ख्याल है? ईशान की बातें काफी फनी थी और वो इतना स्वीट था, मुझे तो ईशान अच्छा लगा। ईशान को देखकर लग रहा था उसे भी आप काफी अच्छी लगी, पर अभी 2 लड़के लाइन में और खड़े हुए हैं, तो अब बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट डीजे निक को। अचानक स्टेज पर म्यूजिक लाउड हो जाता है, डिस्को लाइट जलने लगती हैं और उन्हीं लाइट्स के बीच एक हैंडसम लड़का आपको नजर आता है। हे, मैं निक हूँ। इसके कपड़े और बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है ये बैड बॉय टाइप का लड़का है। मिस तारा, निक के साथ आपके 15 मिनट शुरू होते हैं अब। आपको लड़कियों में कौन सी बात अच्छी नहीं लगती?
मैं डीजे हूँ यार, अक्सर लड़कियों से घिरा रहता हूँ। हालांकि आज तक मैंने कोई सीरियस डेट नहीं की है, पर अक्सर लड़कियां कोशिश करती हैं कि वो मुझे बदल सकें। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाला इंसान हूँ बॉस, और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट कर सके। मैं किसी के लिए बदलना नहीं चाहता हूँ। मुझे अपने लिए जीने वाले लोग पसंद है। अगर आप किसी इंसान से प्यार करने के लिए उन्हें बदलना चाहते हैं तो वो प्यार नहीं है। चलो कम से कम कोई तो है इस दुनिया में जो मेरी तरह सोचता है। आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। अक्सर फ्री टाइम में मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूँ या फिर किसी एडवेंचर ट्रिप पर। जिंदगी का हर पल मैं एडवेंचर के साथ जीना चाहता हूँ। मेरी बोरिंग जिंदगी में एडवेंचर की कमी है। मुझे लगता है कि वो कमी पूरी होने वाली है। मैं भी अकेले एडवेंचर पर जाते जाते बोर हो गया हूँ। शायद मुझे एक पार्टनर मिलने वाला है। आपकी एडवेंचर पार्टनर तारा बनेंगी या नहीं, इसका फैसला हम जल्द ही लेंगे। अभी के लिए निक आपको जानना होगा, आपका तारा के साथ वक्त खत्म हो चुका है। जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि मैं किसी को लेकर सीरियस हो सकता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे एक मौका जरूर दोगी। निक मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। निक के साथ मुलाकात के बाद आपको क्या लगता है, क्या निक आपका परफेक्ट पार्टनर हो सकता है? निक दिखने में इतना हॉट है और उसकी बातों से वो काफी दिलचस्प लगा मुझे। मैं भी जिंदगी में एडवेंचर करना चाहती हूँ और निक के साथ शायद मैं जा सकती हूँ। हो सकता है हमारे अगले कंटेस्टेंट आपका इरादा बदल दें, क्योंकि अब जो हमारे बीच आने वाले हैं वो कई लड़कियों के दिल की धड़कन है। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं मशहूर एक्टर राज मलिक। होस्ट के इशारा करते ही हैंडसम एक्टर राज मलिक स्टेज पर आ जाता है। ऑडियंस शोर करने लगती है। राज खुशी से अपने फैंस से मिल रहा है। राज मुस्कुराते हुए आपके पास आता है। वो आपसे हाथ मिलाता है, फिर आपके हाथ को प्यार से किस कर लेता है। तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारी खूबसूरती से इंसाफ नहीं कर सकती तारा। जितना हॉट फिल्मों में लगता है, रियल लाइफ में तो वो उससे भी ज्यादा हॉट है। लेकिन जिस लड़के को कोई भी लड़की मिल सकती है, वो ब्लाइंड डेट पर क्यों आया है? आप तो आते ही फ्लर्ट करना शुरू हो गए राज। तुम इसे फ्लर्ट करना कहती हो, मैं इसे खूबसूरती की कद्र करना कहता हूँ। जैसे हर किसी को हीरे की पहचान नहीं होती, खूबसूरती की कद्र भी हर कोई नहीं कर पाता है। राज के साथ आपके 15 मिनट अब शुरू होते हैं तारा। आप इनसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकती हैं। तुम इतने फेमस हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर इस शो पर आने की क्या वजह है? ये खबर तो तुम भी अखबारों में पढ़ चुकी होगी कि मैं अक्सर स्कैंडल में फंसा रहता हूँ। मीडिया का दावा है कि मैं एक लड़की के साथ एक दिन से ज्यादा नहीं टिक सकता हूँ। मैं लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ। मुझे भी प्यार हो सकता है और मैं भी किसी का परफेक्ट पार्टनर बन सकता हूँ। तो आप यहाँ लोगों को दिखाने के लिए आए हैं, प्यार की तलाश में नहीं आए हैं? बेशक मैं यहाँ सच्चे प्यार की तलाश में आया हूँ, बस मैं अपने प्यार की तलाश दुनिया के सामने पूरी करना चाहता हूँ। आपने कई लड़कियों के दिल तोड़े हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या कभी किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा है? अभी तक तो नहीं, पर अगर लड़की तुम्हारी जैसी हो तो मैं अपना दिल तोड़वाने के लिए भी तैयार हूँ। उफ, तुम्हारी बातें, अब समझ आया मुझे लड़कियाँ कैसे तुमसे 2 मिनट में इम्प्रेस हो जाती हैं। उम्मीद है आप दोनों को अपने बीच कोई कनेक्शन महसूस हो चुका होगा, क्योंकि आप दोनों की डेट अब खत्म हो चुकी है। मुझे तो तारा और उसकी बातें दोनों दिलचस्प लगी, उम्मीद है इन्हें मैं भी पसंद आऊंगा। आपके अलावा 3 लड़के और हैं जिनके दिमाग में ये सवाल है कि आखिर तारा को पसंद कौन आया है। इससे पहले कि तारा कोई फैसला लें, हम बाकी सभी को भी यहाँ बुला लेते हैं। आरुष, ईशान और निक भी स्टेज पर आ जाते हैं। चारों हैंडसम लड़के लाइन से आपके सामने खड़े हुए हैं। चारों ही एक दूसरे से काफी अलग थे, पर चारों ही हैंडसम है। इनमें से मेरे लिए कौन सही है, ये फैसला थोड़ा कठिन होगा करने के लिए। आपके चारों राजकुमार आपके सामने खड़े हैं तारा, आपको क्या लगता है इनमें से आपका आइडियल मैच कौन है? राज की चार्मिंग बातों से कोई लड़की कैसे बच सकती है? मुझे लगता है राज और मैं काफी हद तक एक जैसे हैं। हम दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं, मैं उसे अच्छे से समझ सकती हूँ। राज को कभी प्यार नहीं हुआ है और मैं उनकी जिंदगी में ये पल बदलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि साथ मिलकर हम लोगों को दिखा सकते हैं
दो परफेक्ट लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो किसी को भी प्यार हो सकता है। हम दोनों इंडिया के अगले फेमस कपल बनने वाले हैं। आप अपना फैसला ले चुकी हैं तारा, लेकिन हो सकता है कि आपने जिसे अपने लिए चुना हो वो आपका आइडियल मैच ना हो। आपकी और आपके चुने हुए पार्टनर की पसंद, नापसंद और पर्सनैलिटी क्या सबसे ज्यादा मैच होती है? क्या आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? इसका फैसला लेगी हमारी लव मशीन। तो चलिए चलते हैं लव के आखिरी इम्तिहान के लिए। ये है हमारी लव मशीन। इसके पास आप सभी का डेटा है और लव मशीन जानती है आप में से कौन तारा के लिए आइडियल मैच है। काश कि मैंने जिसे चुना है वो मेरा आइडियल मैच हो। मशीन में एक तेज सायरन बजता है। कुछ ही देर में वो स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाती है। हमारी लव मशीन ने अपना फैसला बता दिया है। तारा, आपने जिसे अपना पार्टनर चुना है वो आपका आइडियल मैच नहीं है। आपकी और राज की पर्सनैलिटी मैच नहीं होती है। अफसोस, आज आपने अपने आइडियल मैच से मिलने का मौका गंवा दिया है। मुझे तो लगा था मेरा आइडियल मैच आरुष होगा, लेकिन हम में तो कुछ सेम है ही नहीं। पहले ही राउंड में मैं फेल हो गई। पता नहीं मेरा आइडियल मैच इनमें से कौन था। अफसोस, आप आज अपने आइडियल मैच को नहीं पहचान पाई, लेकिन दिल छोटा मत करिए। ये आपके प्यार के सफर की शुरुआत है। अभी आपके पास 11 दिन है अपना आइडियल मैच ढूंढने के लिए। आप लोग आज से 11 दिनों के लिए एक विला में रहेंगे, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए एक खास टास्क लेकर आएंगे। इन 11 दिनों में टास्क और आपकी चॉइस के हिसाब से आपका आइडियल पार्टनर बदलता रहेगा। 11 दिन के अंत तक अगर आप अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लेती हैं और साथ ही साथ अपने पार्टनर का दिल जीतने में भी कामयाब हो जाती हैं, तो 1 करोड़ के चेक के साथ साथ वो हैंडसम लड़का भी आप अपने साथ घर ले जा सकती हैं। सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। सच्चा प्यार ढूंढने के लिए 11 दिन है मेरे पास। मैं इन 11 दिनों में तारा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं गवाने वाला। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे पाकर रहता हूँ। और मुझे तारा पसंद आ गई है। सभी लड़के काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, पर इनका कॉन्फिडेंस इन्हें अगले राउंड में तारा का फेवरेट बना पाता है या नहीं, जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। पता नहीं ये लोग कौन सा नया टास्क करवाने वाले हैं। क्या मैं इस टास्क में अपना आइडियल मैच पहचान पाऊंगी?